हेलो अच्छे लोग, एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ। और यहाँ पे जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग की कैसे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें, कैसे पढ़ेंगे, और मैंने वहां स्टार्ट कर दिया था कि सब्सटेंस, दुनिया में जितने सब्सटेंस हैं मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सब्सटेंस मतलब हो गया केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, ये नहीं कुछ भी ले लो आप। केमिकल सब्सटेंस मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद बेटा आपको मालूम चला होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि उसको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तोड़ दिया था। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो सकते हैं, है ना। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, जो डिसोसिएट नहीं होते, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल्स कराए हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम वही आएगा जहां पे चीजें डिसोसिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कैसा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपसे कहा था स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो गया अल्फा कितना है आपका, अल्फा आपका है 100%। इसका मतलब ये होता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट देखते हैं। कहानी क्लियर है क्या बेटा? तो यहां पर देखो एक बात कि मैंने आपसे कहा कि अब स्ट्रॉन्ग वाले को मैंने जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, मैंने जो फेमस एग्जांपल्स होते हैं ना जो कि आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन कौन सा है, आपका यहाँ पे HClO4 हो गया, H2SO4 आप जानते ही हो, है ना, HNO3 आप जानते ही हो, है ना, और HCl आपका। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आपके स्ट्रॉन्ग है, मेनली आपको यही काम आएंगे, है ना, H2SO4, HNO3, HCl मेनली ही काम आएंगे। साथ में मैंने आपको एक दो एक्स्ट्रा लिखा दिए, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए ये कैसे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे आपका कौन सा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो गया बेटा, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये आपको बेसिकली पता ही होते हैं, सबको पता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं RBOH, CSOH, लेकिन बस जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हैं स्ट्रॉन्ग है। मेनली आपको NaOH और KOH ही क्वेश्चन में जाकर काम आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमने ये खत्म कर लिया। और देखो सॉल्ट, दुनिया में जितने भी सॉल्ट हुए हैं जो कि किससे आए हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से आए हैं, जितने भी सॉल्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से आए हैं वो सारे के सारे सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा कितना है इनका, 100%। बेटा ये बहुत काम की चीज है ना, बहुत काम की चीज है कि इनका अल्फा जो है वो 100% है बेटा, है ना। जितने भी चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से आया हो, चाहे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, चाहे है ना वीक एसिड वीक बेस से आया हो, सारे के सारे जो है जितने भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से आए हुए हैं, प्रेसिपिटेट नहीं बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया NaCl, NH4Cl, इस मैंने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे जो है यही ज्यादातर क्वेश्चन मिलते भी हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके जो है स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोलाइट है, इनका जो अल्फा है वो क्या है 100% है। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, क्वेश्चन तो ये उठता है बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका अल्फा क्या है आपका 100% से क्या है कम है, मतलब ये पार्शली डिसोसिएट हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम यही आता है प्रॉपर, है ना, यही इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो बस इन सब का इफेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। कहानी क्लियर है क्या? तो यहाँ तक बेटा हो गया, आपको बताओ जल्दी से, यहाँ पे हमने बहुत सारे वीक के नाम लिखे हैं, HClO3, HClO2, HClO, H2SO3, है ना, HNO2 है, यहाँ पर HF है, है ना, H2CO3 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये लास्ट वाले H2S, है ना, CH3COOH, HCOOH, यही ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, CH3COOH, है ना, HCOOH, H2S, ज्यादातर क्वेश्चन में यही मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसा है वीक एसिड है। ऐसे ही मैंने आपको जो है यहां बताया अमोनिया, अमोनिया जो होता है, अमोनिया एक्वस मीडियम में कैसा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जो कि आपका एक वीक बेस है, मैक्सिमम टाइम आपको यही मिलने वाला है। अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, जो भी है, ये सारे भी क्या है आपके वीक बेस है, है ना, वीक बेस है, तो आपके वीक बेस आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये जो सॉल्ट होता है ये एसिड बेस रिएक्शन से नहीं है, ये कैसा है, ये टाइट्रेशन से आप जानते हो प्रेसिपिटेट बनता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होता है, ठीक है। तो वहां से AgCl और BaSO4 एग्जांपल लिखा हुआ है, आप जानते हो AgCl येलो कलर का प्रेसिपिटेट, AgBr, AgI, ये सब क्या है, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना। तो यहां से आपको कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, AgCl हो गया, BaSO4 हो गया, और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, AgBr हो गया,
ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, ये स्प्रिंगली सोल्यूबल हैं, ये पार्शियली सोल्यूबल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कैसा, पार्शियली मतलब क्या हो गया, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली सोल्यूबल मतलब क्या, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि कौन कौन से स्ट्रांग है, कौन कौन से वीक है, जाना जरूरी है बेटा। चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक्स स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां तक ये भी बताऊंगा कि एसिड की डिफिनेशन क्या है, बेस की डिफिनेशन क्या है ना, तो क्योंकि जरूरी है, जब तक चैप्टर का स्टार्ट में आपको बेस तैयार नहीं होगा तब तक आयनिक समझ में नहीं आएगी। आयनिक में आपका ये बेस एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, एसिड बेस थ्योरी, तीन थ्योरी थी, अर्हीनियस थ्योरी है ना, ब्रॉन्स्टेड और लोरी थ्योरी, और साथ में क्या था, साथ में था आपका था यहाँ पर बोलो लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी। तो यहां तक जो है हमको तीनों पढ़ना है, तो हम लोग जल्दी से उसको भी खत्म करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो बच्चा लोग यहाँ देखो फिर से, यहाँ पे मैं जो है अभी तक बता दिया आपको मैंने क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ठीक है, आपने वीक और स्ट्रांग देख लिया। अब इसमें सीन ये है बेटा कि अब बात हम कर रहे हैं कि एसिड बेस थ्योरी क्या क्या है। मैंने बोला आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा कि एसिड किसे बोलते हो, बेस किसे बोलते हो, है ना। तो यहाँ पे एसिड बेस थ्योरी में आप तीन थ्योरी पढ़ते हो, अर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अर्हीनियस थ्योरी की। सिंपल सी थ्योरी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। जो जो एसिड जो है, एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है या प्रोटॉन देता है, ठीक है, H+ आयन देता है किसी एक सॉल्यूशन में या किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर, उसे क्या बोलते हो, एसिड बोलते हो। H+ देता है तो क्या है आपका, एसिड हो गया। अगर OH- देता क्या बोलो, उसे बेस बोलते हो। सिंपल सी बात है, सब जानते हो। अब इसकी थोड़ा नेमिंग की बात कर लेते हैं, तो नेमिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे HCl, HBr, HI कितने H हैं, सिंगल H है, सिंगल H है, इसको सिंबलाइज करते हैं HA से। अगर HA से सिंबलाइज करें मतलब कैसा है, दिस नोन एज मोनोबेसिक एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक, मोनोबेसिक क्यों बोल रहे हैं बेटा, मोनोबेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक H+ है तो एक बेस से रिएक्ट करेगा, तो मोनोबेसिक एसिड, ऐसा एसिड जो एक सिंगल बेस, सिंगल OH से क्या करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है, दिस कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। या इसका एक नाम और भी है, मोनोप्रोटिक एसिड। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, कि ये सिंगल H दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है। ऐसे तुम्हारा क्या हो गया, H2SO4 कितने H हैं, दो हैं, दो प्रोटॉन दे सकता है, क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड, या क्या बोलेंगे, डाई प्रोटिक एसिड, डाई बेसिक एसिड या क्या बोलेंगे, डाई प्रोटिक एसिड, ठीक है। ऐसे सिमिलरली नाम क्या है, बेस के लिए नाम देख लो। अगर सिंगल OH है किससे सिमिलाइज करेंगे, BOH से, ऐसे BO सिंबलाइज करेंगे, नाम क्या बोला इसको, मोनो एसिडिक बेस, क्या बोला, मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि ये जो है जो OH है वो सिंगल एसिड से रिएक्ट करेगा, जिसके पास सिंगल H होगा, समझो, मोनो एसिडिक बेस, इस तरह से इसको बोल सकते हो आप। और ऐसे ही तुम्हारे पास सिर्फ दो OH, क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस। तो आपने एसिड को बोला मोनो बेसिक एसिड और आपने बेस को बोला मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। इस तरह से नेमिंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक्स में आपको सारी बातें बता रहा हूँ, बहुत फास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत सारा टाइम किल करूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा टाइम नहीं लेते हुए सिंपल और शॉर्टकट वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखो, अब आता है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी क्या बोलता है, एच आयन अगर डोनर है उसे बोलेंगे एसिड, ठीक है, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो। अगर एच आयन एक्सेप्टर है, एच आयन ले रहा है, सिर्फ प्रोटोन के बेस से बोला इन्होंने, एच आयन की थ्योरी बोला, अगर एच प्लस आयन डोनर है तो एसिड है, अगर एच प्लस आयन ले रहा है तो बेस है। और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिड बेस पहचानने के लिए। यहां देखो, जैसे एग्जाम्पल है, एनएच थ्री एच टू का रिएक्शन हुआ, एच एनएच फोर प्लस बना और OH माइनस बना। देखो आप यहाँ पे एनएच थ्री ने एच प्लस आयन इससे लिया है, एच टू से एच प्लस लिया है, और एच टू ने एच प्लस आयन दिया है, तो जो लिया है वो क्या हो जाएगा, बेस, और जो H+ आयन दिया वो क्या जाएगा, एसिड, ठीक है। ऐसे यहां देखो, HCl का रिएक्शन H2O से क्या बना, Cl- और HCO+, तो HCl से H+ निकल गया, HCl ने H+ दिया है तो क्या हो जाएगा, एसिड, और H2O ने H+ लिया है, यहां पे H+ लिया है क्या हो जाएगा, बेस। तो आपका जो H2O है वो एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है और बेस की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक, क्या बोलते हैं, एम्फी। एम्फी का मतलब जो दो तरह से बिहेव करता है, आपने एम्फोटेरिक सुना होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना, वैसे ही एम्फीप्रोटिक, क्योंकि एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है, कैसे कर रहा है, बेस की तरफ कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो आप, बहुत बेसिक बेसिक थ्योरी है, जब भी कभी एसिड H+ आयन डोनेट करता है
तो जो भी आपका एनायन बनता है, जैसे यहाँ पे HCl ने किया है, क्या बना है Cl माइनस, जो भी आपका एनायन बनता है उसे क्या बोलते हो, कंजुगेट बेस, क्या बोलते हो, कंजुगेट बेस। एसिड जब भी H+ आयन आपका डोनेट करेगा, जो भी यहाँ पे आपका एनायन बने उसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोलेंगे। और बेस जब भी H+ एक्सेप्ट करता है, बेस जब भी H+ एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड, क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड। तो एसिड से बना कंजुगेट बेस और बेस से क्या बना, कंजुगेट एसिड। इतनी बात समझ में आई क्या? तो यहां से एसिड से जो आपका एनायन यहां बन रहा है वो क्या है, कंजुगेट बेस है। और यहां से जो बेस में जो H+ का यहां कैटायन बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आपके आ गई तो एक सिंपल सी बात आपसे बोल रहा हूं कि एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होते हैं और वीक एसिड कैसे होते हैं, स्टेबल, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। स्ट्रॉन्ग एसिड मोर रिएक्टिव कैसे होंगे, अनस्टेबल, और वीक एसिड कैसे है, लेस रिएक्टिव कैसे होंगे, स्टेबल। तो सिंपल सी बात है, वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, समझना, वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कंजुगेट बेस रखेगा, जो भी कंजुगेट बेस बनेगा, और वीक एसिड जो रखेगा हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक में ही जाती है। फिर से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, जल्दी से रिकॉल करो, आपने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़ा कि एसिड जो प्रोड्यूस करता है H+ आयन डोनेट उसे क्या बोलते हो, कंजुगेट बेस बोलते हो, बेस जो करता है उसे क्या बोलते हो, कंजुगेट एसिड। और सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस वीक कंजुगेट बेस और वीक एसिड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ठीक है, पूरी कहानी स्टेबिलिटी की है। ठीक है, कभी टाइम मिला तो आपको मैं बहुत डीप में समझाऊंगा इस चीज को। यहां देखो, एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। मैंने आपसे बोला स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, अनस्टेबल, कैसा होता है, अनस्टेबल, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, सॉरी मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। वीक कैसा होता है, स्टेबल। तो हमेशा रिएक्शन कहां जाती है, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ। बोलो, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ। तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा, और ये पॉइंट आपको एसिड बेस रिएक्शन को पहचानने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में काम आएगा बेटा, पहले बोल दे रहा हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पॉइंट काम आएगा, बहुत काम का है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा है सिमिलरली फॉर बेस, इसमें क्या हो जाएगा, आप बताओ मेरे साथ, बोलो जल्दी से, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस वीक कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस वीक कंजुगेट एसिड एंड वीक बेस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। ठीक है, ध्यान से बोलो, बोलो सिमिलरली फॉर बेस, क्या बोला आपने, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस वीक कंजुगेट एसिड एंड वीक बेस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो है वीक प्रोड्यूस करेगा और वीक जो है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट प्रोड्यूस करेगा। बोलो है क्या, कंजुगेट। ठीक, और एसिड बेस रिएक्शन हमेशा ऐसे ही चलेगी, हमेशा कहां जाएगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है। ठीक है, अब आती लास्ट थ्योरी, लेवाइस थ्योरी। लेवाइस थ्योरी लोन पेयर के ऊपर बेस था। ठीक है, क्योंकि हर एटम के पास H+ एक्सेप्टर नहीं है, हर मॉलिक्यूल जो है H+ एक्सेप्ट नहीं करता, है ना, हर मॉलिक्यूल H+ डोनेट नहीं करता। तो फिर आखिर थ्योरी बनाई गई, वो बनाई गई लोन पेयर के बेसिस पे, जो चीज लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे अमोनिया, एन के पास लोन पेयर है, एन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है सीएल माइनस, जितने भी एनायन आप देखते हो सीएल माइनस, ये सब क्या है, ये सब आपके बेस है, इसको लेविस बेस बोलेंगे, कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और अगर हम बात करें लोन पेयर एक्सेप्टर की, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक जो वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो, ये क्या चाहिए, ये भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लेविस एसिड, क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। और एग्जांपल देख लो, CH3+ जितने कैटायंस हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या एग्जांपल हो गया BF3, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये सब बातें जो है, जहां बाकी जब चीजें आती जाएंगी, जहां जैसे वहां मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करना चला जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, रिकॉल करूंगा, देखो यहां मैं कौन सी थ्योरी लगा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार आपको मैं आपको एक ओवर भी दे रहा हूं, कौन कौन सी थ्योरी प्रेजेंट है, आप एक बार जल्दी से इसको नोट से बना लीजिएगा, क्योंकि एक बेसिक और फास्ट वे में, स्मार्ट वे में आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से ज्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत मिनिमम क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे पीएस से, लेकिन आपको फिर भी इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में आपकी इस थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं एसिड और बेस पहचानने के लिए, कम से कम आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। हर एक मार्क्स जरूरी है बेटा, लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।